लक्ष्मी का जन्म 29 अक्टूबर को हुआ था। इसकी माताजी का नाम भोपू है और पिताजी का तो खैर हमें पता नहीं। भोपू से हमारी जान पहचान 6 सितंबर को हुई, जब कपिल जी नगरोटा से इसको यहाँ लेके आए। इसके थन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था और सूजन थी, तो हम इसको पालमपुर ले गए और उन्होंने कहा कि इसका इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद इसके थन हटाने पड़ेंगे। उसका यहाँ इलाज चला और इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, सूजन में कमी आ गई और 7 अक्टूबर को पालमपुर में हमने सर्जरी की डेट ली। अब निर्धारित दिन जब भोपू वहाँ पहुँची तो पता चला कि उसकी सर्जरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक आर्टरी उसके थन के बहुत पास से होके गुजर रही थी और इसलिए सर्जरी संभव नहीं थी। अब हम ये सोच रहे थे कि इसकी स्टरलाइजेशन करा दें, क्योंकि इसका बच्चा अगर पैदा हुआ तो इसको दूध कैसे पिला पाएगी। तो पता चला कि ये पहले से ही प्रेग्नेंट है। 29 अक्टूबर की सुबह इसने एक बछिया को जन्म दिया। अब जैसा हमें डर था, भोपू अपनी बेटी को दूध नहीं पिला पा रही थी, तो डॉक्टर अंकित इसके लिए कोलोस्ट्रम बनाने में जुट गए। उस दिन मैंने एक लाइव वीडियो भी किया और मेरे अलावा जो लोग देख रहे थे उन्हें भी यही डर था कि एक तो ये प्री मेच्योर डिलीवरी होने की वजह से इतनी कमजोर है, ऊपर से इसकी माँ अगर इसको दूध नहीं पिला पाएगी तो क्या ये बचेगी। अब एक चमत्कार कह लीजिए, पर इसकी माँ ने जैसे तैसे इसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। आज ये बिल्कुल ठीक है और बहुत खेलती है। अब ये तो इसकी किस्मत ही है कि हालात ऐसे बन गए कि सड़क पे ठंड और बारिश में पैदा होने की बजाय ये यहाँ पैदा हुई, जहाँ पे ये स्वस्थ है, जहाँ ये सुरक्षित है। और इसकी माँ जिसके थन खराब थे उनमें भी इसके लिए दूध उतर आया। इसकी किस्मत तो अच्छी थी, पर सड़क पे ऐसे बहुत से बेसहारा जानवर हैं जिनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं, और अगर उनकी कोई किस्मत बदल सकता है तो वो है आप। खासकर इन सर्दियों में जहाँ पे ना उनके पास सर छुपाने की जगह है और भूखे पेट सोना और तकलीफ देह हो जाता है, तो चाहे अपनी दुकान के बाहर आप एक बोरी बिछा दें जिसमें शाम को आके कोई कुत्ता सो सके, या घर में थोड़ी जगह बना दें जहाँ पे कोई कुत्ता या बछड़ा शरण ले सके, या आप किसी को खाना डालना शुरू कर दीजिए। हम हर किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकते, पर किसी एक को तो सुकून पहुँचा ही सकते हैं, और वैसे भी किसी को सुकून पहुँचा के ही हमें सुकून मिलता है।